हेलो स्टूडेंट्स, इंतज़ार की घड़ियां अब आपकी ख़त्म होती हुई। देखिए, आपका जो रिज़ल्ट है जल्द ख़त्म होगा। यूपी बोर्ड के छात्रों का इंतज़ार अब इस दिन जारी हो सकता है रिज़ल्ट। बच्चों, तो वो डेट कौन सी है, आप वीडियो पर बने रहिए, देख लीजिए कि कब आपका रिज़ल्ट किस डेट पर आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको पता है कि यूपी बोर्ड ने पेपर करवा लिए हैं। जो पेपर आपका मार्च से अप्रैल तक के बीच में चला था, इसमें मूल्यांकन का कार्य जो है बच्चों वो पूरा हो चुका है। UPMSP द्वारा इसी सप्ताह के अंत तक परिणाम जारी करने की उम्मीद लगाई गई है बच्चों, ठीक है। एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इस एक्टिव रिजल्ट को लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे अपना परिणाम देखना चाहते हैं, वो बच्चे जब भी रिज़ल्ट अपलोड हो जाएगा तो वो UPResult.NIC.in के माध्यम से अपने रिज़ल्ट को डाउनलोड कर ले बच्चों। बच्चों, यूपी बोर्ड ने रिज़ल्ट की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है, बिल्कुल लास्ट चरण पर चल रहा है और परिणाम का संकलन शुरू कर दिया है। एक बार यूपी बोर्ड रिज़ल्ट जारी होने के बाद, ठीक है, जब भी रिज़ल्ट जारी होगा तो वो रिज़ल्ट आप UPResult.NIC के माध्यम से बच्चों देख पाएंगे। बच्चों, हमारे यहाँ पर इस बार यूपी बोर्ड में जो पेपर हुआ था उसमें लगभग 52 लाख लोग उपस्थित हुए थे, ठीक है, जिनमें से 27 लाख लगभग बच्चे तो हाई स्कूल के थे और लगभग 24 लाख बच्चे तो क्लास 12th के ही बच्चे थे। एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था यूपी बोर्ड पर, ठीक है। सबसे पहली बात, मैं सभी बच्चों को ये बताऊँगा कि आपका जो रिज़ल्ट आए वो बहुत ही अच्छा हो। आपको मेरी तरफ से अग्रिम बधाई हो कि आप अपने रिज़ल्ट पर बहुत अच्छा करके दिखाएं। सबसे अहम बात बच्चों ये है कि रिपोर्ट ये है कि जो आपका परिणाम है वो 25 से 29 मई तक जारी किया जा सकता है, परंतु बच्चों ये UPMSP के द्वारा अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि इस डेट पर है, कि इस डेट पर आपका रिज़ल्ट आएगा। महज ये सिर्फ एक कयास है कि 25 से 29 तक प्रबल संभावना है कि आपका रिज़ल्ट आ जाए। और मैं आपसे यही कहूँगा, अगर किसी कारणवश काम डिले होता है तो अधिकतम 5 जून से ज़्यादा रिज़ल्ट आपका और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 5 जून तक आप अपने रिज़ल्ट प्राप्त कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक माय स्टूडेंट्स।